यही कारण आगमन तुम्हारा पूज्य देव, क्या कारण है आप यहाँ पर आए? कृपा करके इस दास को बताइए। मेरा कोई दूसरा कारण नहीं है, कोई दूसरा कारण नहीं मेरा, क्या कारण है? असुर समूह सता वही मोही, मैं जंगल में यज्ञ इत्यादि करता हूं, लेकिन ये असुर मेरे यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देते। अच्छा, मैं अपनी सेना भेजू? दशरथ जी बोले, मैं अपनी सेना भेजू? बोले नहीं। तो बोले मैं चलूं? बोले नहीं। क्यों क्यों, मैं मार नहीं सकता क्या? क्या आपको संदेह है मेरे अस्त्र शस्त्र पर? क्या मैं उनको मार नहीं सकता? बोले यही तो बात है, ध्यान दीजिए। विश्वामित्र जी बोले यही तो बात है, मैं इस बार मारने वाले को लेने नहीं आया, इस बार तारने वाले को लेने। मार तो सब सकते हैं, लेकिन तार केवल कोई एक ही सकता है। कौन कौन तार सकता है? कौन तार सकता है? बोले तुम्हें पता नहीं? बोले नहीं। बोले तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें बताया? नहीं नहीं बताया। तो बोले सुनो, अपने गुरु से पूछो नरेश। इशारा किया दशरथ जी को, बोले तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे यहाँ तारने वाला कौन है? तो मैं नहीं बताऊंगा, बैठे तुम्हारे गुरु जी बताएंगे। अपने गुरु से पूछो नरेश, तुम्हारे गृह प्रगटे सर्वेश। तुम्हारे घर सर्वेश्वर प्रकट हुआ है, अपने गुरु से पूछो। पूरण ब्रह्म सगुण भैरव मनुज धनुधारी, जगत में तुम्हारो नाम है। Thank you.
जब मैं हार गया, सुमित्र जी कहते हैं दशरथ से कि जब मैं सारे कर्मों को करकर जब हार गया अब तुम्हारे शरण में आया, तब क्या कहते हैं करने वाले राम है। इसलिए राम और लक्ष्मण के दोनों पुत्र मुझे दे दो। ध्यान दीजिएगा, राम और लक्ष्मण ही क्यों मांगे? यहां पर लिखा हुआ है अनुज समेत देहु रघुनाथा। विश्वामित्र जी ने दशरथ से कहा, क्या कहा? अनुज समेत देहु रघुनाथ। तो प्रभु श्री राम के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? भरत का। तो राम के साथ अनुज मतलब छोटा कौन? भरत। भरत देना चाहिए था। राम जी के साथ लक्ष्मण क्यों गए? लक्ष्मण को क्यों मांगा? बोले ठीक ही किया जो भरत को नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? बोले जब विवाह करवाने जाते धनुष भंग होता और जब परशुराम जी आते दहाड़ने के लिए, जब परशुराम जी दहाड़ने लग गए तो राम जी ने तो प्रणाम किया, अगर भरत जी होते तो दंडवत करते, और एक प्रणाम करता दूसरा दंडवत करता, लेट जाता तो आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाती। इसलिए एक ठंडा और एक गर्म चाहिए। और दो क्यों मांगे? बोले दो इसलिए मांगे कि दो काम है वन में। क्या? निशिचर वध। ध्यान दीजिएगा, निशिचर वध हम होए सनाथा। सनाथ मतलब क्या होता है? अनाथ कौन होता है? जिसका कोई नहीं होता। और सनाथ कौन? जिसका कोई हो जाए। तो जो अनाथ होते हैं वो प्रभु से भिन्न होते हैं। हम संसार में हमारा कोई नहीं होता प्रभु के अलावा। तो जब तक हमारे प्रभु नहीं है तब तक हम अनाथ हैं, और जिस दिन प्रभु की प्राप्ति हमें हो जाती है उस दिन हम सनाथ हो जाते हैं। मानो विश्वामित्र जी ये कहते हैं कि हम अनाथ हैं इसलिए प्रभु श्री राम मिल जाएंगे तो हम सनाथ हो जाएंगे, और लक्ष्मण साथ में जाएगा तो निशाचरों का वध हो जाएगा। इसलिए दोनों मुझे दे दो। जैसे ही दशरथ ने सुना दुख हो गया। सुनी राजा आप्रिय वाणी, सुनी Thank you.
आपने ये क्या मांग लिया है? चौथे वन में मेरे चार बालक को मैंने प्राप्त किया, पर आज आप चारों पुत्र मुझे अतिशय प्रिय हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम मैं प्रभु राम से करता हूँ, और आप मेरे राम को ही मांग रहे हैं, मैं नहीं दे सकता। राम दे तो नहीं बनाई गुसाई मुझसे नहीं बनता, और कुछ मांग लो। क्या कहते हैं? मांगहु भूमि देन। विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़ कर कहते हैं कि मांगहु, और कुछ मांग लो, भूमि मांगो भूमि दे दूंगा, अरे गाया मांगो गाया दे दूं, सब कुछ देने को तैयार हूं, यहां तक कि मैं प्राणों को भी दे सकता हूं, लेकिन राम मुझसे देते नहीं बनता। विश्वामित्र जी ने कहा राम को अगर दे दोगे तो क्या होगा? बोला मैं मर जाऊंगा। तुम तो कह रहे हो कि मैं प्राण दे सकता हूँ, राम नहीं दे सकता। जब राम के सामने प्राण त्याग कर तुम अपने प्राणों को मुझे दे सकते हो, तो राम को क्यों नहीं दे सकते? राम को देने के बाद भी तुम्हारी मृत्यु होगी, और राम को देने से पहले भी तुम अपने प्राणों को मुझे देना चाहते हो। बोले प्रभु, विश्वामित्र से कहते हैं मुनिवर, मैं अपने प्राणों को दे सकता हूँ, लेकिन अपने प्राणों के प्राण को नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। विश्वामित्र जी ने तुरंत क्रोध किया, मनी मन तो प्रफुल्लित हो रहे हैं, विश्वामित्र जी मनी मन प्रफुल्लित हो रहे हैं। क्यों प्रफुल्लित हो रहे हैं? धन्य है प्रभु, मैंने तो सुना था साधु संतों को प्रभु मिलते हैं, गृहस्थों के घर भी कभी प्रभु प्रकट होते हैं, लेकिन आज दशरथ के प्रेम को देखकर मैं समझ गया कि अगर ऐसा प्रेमी हो तो प्रभु सब कुछ छोड़ कर इसके घर में अवतार अवश्य ले। लेकिन लीला करनी थी, लीला को आगे बढ़ाना था, इसलिए क्रोध कर दिया। क्या तुम राम नहीं दोगे? तो दशरथ जी कहते हैं ये मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि मैं राम नहीं दूंगा, मुझसे देते नहीं बनता, देते नहीं बनता और नहीं दूंगा में बहुत अंतर है। दे वो दी वो चीज जाती है जिस पर अपना अधिकार हो, और जो दूसरों से मांग कर अपने पास हो उस चीज को, उस पर अपना अधिकार नहीं होता, उसको दे नहीं सकते। जिस प्रकार हमारे घर में अगर नौकर हो, पड़ोसी के घर में अगर विवाह हो, अगर वो पड़ोसी आए और कहे कि दो चार दिन के लिए अपने इस नौकर को हमारे घर भेज दो क्योंकि हमारे घर विवाह है, थोड़े दिन सेवा शुश्रूषा कर लेगा, हम पैसे दे देंगे, तो हम तुरंत कहें दे भैया यहाँ छोड़ो वहां जाओ। क्यों? क्योंकि हम अपने पैसों से उसको हमने रखा है, और अगर हमारे घर में कोई अतिथि आ जाए और वो पड़ोसी आए कि हमारे घर में कोई काम करने वाला नहीं, तो क्या हम अतिथि भेज सकते हैं अपना? नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि उस अतिथि पर हमारा अधिकार नहीं है। वही दशरथ जी कह रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, मैं ये कह रहा हूं कि मुझसे देते नहीं बनता। विश्वामित्र जी बोले मतलब ये कि ये श्री राम अगर मेरी अपनी खुद की संपत्ति होती तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन ये ट्रस्ट की संपत्ति है, ट्रस्ट की संपत्ति, और ट्रस्ट की संपत्ति को अकेला आदमी बेच नहीं सकता। जब तक सारे ट्रस्टी मिलकर एक मत नहीं करेंगे तब तक अकेला आदमी ट्रस्ट की संपत्ति को बेच नहीं सकता। बोले ट्रस्ट की संपत्ति राम? बोले हाँ। तो ट्रस्टी कौन कौन है सुनिए। मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन। एक तो मुनियों का ये धन है, संतन
सर्वस्व संतन के सर्वस्व हैं संतों के। और कैलाश पर्वत में बैठे हुए भगवान शिव के ये प्राण हैं और मेरे ये पुत्र हैं, इसलिए ये इतने ट्रस्टी हैं। अगर आप राम को ले जाना चाहते हैं तो सारे ट्रस्टियों से पूछना पड़ेगा। वशिष्ठ जी ने मन में विचार किया कि ये क्या कर रहा है मेरा चेला। वशिष्ठ जी ने कहा, दशरथ तुम भूल कर रहे हो क्या गुरुवर? बोले सुनो, ये चार पुत्र तुम्हारे थे पहले? नहीं। कैसे पैदा हुए? बोले आपने यज्ञ करवाया, उससे ये चार शिष्य चार बालक पैदा हुए। बोले जब यज्ञ से चार पुत्र पैदा हो गए तो उसी यज्ञ की रक्षा के लिए क्या तुम दो पुत्र नहीं दे सकते? क्या तुम ये दो पुत्र नहीं दे सकते उस यज्ञ की रक्षा के लिए? दो। बोले गुरु जी आप भी वही बात करते हैं, अगर ये मेरे धन होते तो मैं दे देता, ट्रस्ट की संपत्ति मुझसे देते नहीं बनता। बोले अच्छा, अगर ये ट्रस्ट की संपत्ति है तुम नहीं दे सकते, मैं कहता हूं ठीक है, राम और लक्ष्मण तुम मत दो, लेकिन एक दूसरा काम तो कर सकते हो। बोले क्या? ट्रस्ट की संपत्ति ट्रस्टी बेच नहीं सकता, लेकिन अपना पद तो छोड़ सकता है। ध्यान दीजिए, ट्रस्ट की संपत्ति अगर ट्रस्टी बेच नहीं सकता तो ट्रस्टी अपना पद तो छोड़ सकता है। बोले मैं समझा नहीं। बोले तुम कौन हो इनके पिताजी? ऐसा करो अपना पद ही छोड़ दो तुम। और तुम छोड़ क्या दो? तुमने तो छोड़ ही दिया, जैसे ही विश्वामित्र जी आए थे तुमने उनको सिंहासन पर बैठा लिया। तात्पर्य है कि तुम आम आदमी हो गए और विश्वामित्र जी राजा हो गए, और राजा हो गए तो ये चारों राजा के पुत्र हैं और वो जो चाहे करना चाहे वो कर सकता है। दशरथ जी समझ गए, गुरु जी की आज्ञा को शिरोधार किया और राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। और सुनो, जाने से पहले विश्वामित्र जी ने कहा, सुनो ऐसे नहीं जाना, अपनी माओ को प्रणाम कर कर आओ। अगर कोई इधर उधर का साधु होता तो वो सोचता कि राम और लक्ष्मण को मांगने में तो इतने पापड़ बेलने पड़े पिताजी के साथ। अगर ये कहीं हाथ पैर जोड़ने के लिए माता के पास चले गए तो माता तो बिल्कुल जाने ही नहीं देगी। लेकिन फिर भी विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ अपने माताओं को प्रणाम करके आओ। क्यों? क्योंकि अगर संत जाने के लिए नहीं कहता तो संस्कार बिगड़ जाते हैं, और संस्कार बिगड़ जाते हैं तो आगे भविष्य का ज्ञान हमें नहीं मिलता। इसलिए संस्कार ना बिगड़े, माताओं के पास भेज दिया, जाओ प्रणाम करके आओ। माता के पास गए, क्या बात? बोले मैया विश्वामित्र जी आए हैं, वो चाहते हैं कि उनके साथ बन जाओ। मैया खुश हो गई। क्यों खुश हो गई? क्योंकि शंकर जी ने बताया था हाथ देखकर कि एक बाबा आएंगे, और बाबा आएंगे दो को ले जाएंगे, लेकिन उधर से दो और साथ में भेजेंगे, विवाह करा देंगे। इसलिए मैया ने तुरंत रोका नहीं, तो जाओ जाओ जल्दी जाओ, भेज दे। अब चले राम लक्ष्मण गए विश्वामित्र जी आगे, आगे राम लक्ष्मण पीछे विश्वामित्र जी। देखिए ध्यान दीजिए, छोटे छोटे बालक हैं, अटखेलियां करना आदत हो गई, बच्चे हैं। एक सरोवर में कमल खिला हुआ था, गुरुवर से पूछा, गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो संध्या के लिए ये कमल का पुष्प चयनित करके ले आए। गुरुजी बोले ठीक है, जाना आराम से जाना। गए और वो क्या लीला हो रही, वो कमल जितना वो अंदर घुसते कमल और आगे बढ़ते जाता, और वो घुसते 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 जब छाती के पानी तक पहुंच गए तो गुरुजी कहे बाहर निकलो बाहर निकलो, डूब जाओगे, छोटे छोटे बालक हो, बाहर बुला लिया। थोड़ा आगे बढ़े तो एक पहाड़ दिखाई दिया, बड़े उपवन अच्छे अच्छे फूल खिले थे। गुरुजी यहां से ले आए? हाँ यहां चले।
यहाँ गए एक लीला क्या हुई, जहाँ जितना ऊपर जाते हैं फूल उतने ऊपर चलते चले जाते, ज्यादा ऊपर चले गुरु गए नीचे उतरो नीचे उतरो, छोटे छोटे बच्चों गिर जाओगे। राम जी आए विश्वामित्र जी के सामने हाथ जोड़कर हंसने लग गए, गुरुवर ये मोह मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पिताजी के अंदर मोह था, आप ज्ञान बता रहे थे कि तुम्हारे घर सर्वस्व प्रकट हुए हैं, परमात्मा प्रकट हुए हैं, तुम मोह छोड़ो, इनका कोई कुछ बाल बांका नहीं कर सकता, और आज आप ज्ञानी थे और आप जानते हैं कि मैं सर्वस्व हूं परमात्मा हूं, लेकिन आपके अंदर ये मोह समझ में नहीं आता। बोले सुनो, मैं ज्ञानी तब तक था जब तक मेरा और दशरथ का संवाद चल रहा था, लेकिन जिस समय से दशरथ ने अपना पद छोड़ दिया अर्थात पिता मुझे बना दिया तुम्हारा, उस समय से मैं ज्ञानी नहीं अभी तो तुम्हारा पिता बन गया। अब पिता का बालकों के प्रति मोह होता है, इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं तुम गिर ना जाओ, इसलिए ज्ञानी का पद मैंने दशरथ को दे दिया और ममत्व का पद मैंने स्वयं स्वीकार कर लिया। थोड़ा आगे बढ़े ताड़ भाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण चढ़ाया ताड़का का वध किया। आगे बढ़े तो गुरु विश्वामित्र जी ने बताया कि देखो यही वो खरदूषण मारीच और सुबाहु, दो ये राक्षस हैं जो यज्ञ पूर्ण नहीं करने देते, तो सुबाहु को उठा के पटका सुबाहु, मारीच को ऐसा बाण मारा कि 100 योजन